हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने चेहरे से दाग धब्बे, कील मुहासे, दाने, पिंपल्स, इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं केवल एक हफ्ते के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप अपने चेहरे की सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं और अपने चेहरे पे निखार ला सकते हैं और अपने चेहरे को सुंदर भी बना सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और मैं इस फेस पैक को कम से कम एक हफ्ते के लिए बनाऊंगी। आप चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए भी बना सकते हैं। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। फ्रेंड्स, बेसन चेहरे से मुहासों को दूर करता है, दानों को दूर करता है और साथ ही आपके चेहरे से दाग धब्बे, पिंपल्स को हटाने में भी मदद करता है। इस फेस पैक की सबसे मेन चीज बेसन ही है, क्योंकि ये चेहरे पे ग्लो भी लाता है और चेहरे को सुंदर भी बना देता है। तो मैं यहाँ पे इसको एक हफ्ते के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 4 से 5 चम्मच बेसन। तो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। दूसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी, यानी कि टर्मेरिक। टर्मेरिक आपके चेहरे को निखारती है, चेहरे पे चमक लाती है और चेहरे से एक्ने की प्रॉब्लम, डेड स्किन सेल्स को भी ये दूर करती है। तो हम यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तीसरी चीज हम यहाँ पे ऐड करेंगे टोमेटो जूस। हमें यहाँ पे 1/2 कटोरी टमाटर का रस इसके अंदर ऐड करना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे कर्ड, यानी कि दही। हम यहाँ पे दही को इसके अंदर इसको मिक्स करने के लिए यूज करेंगे दही का। दही चेहरे पे चमक लाती है और ये चेहरे से ओपन पोर्स, डीप स्किन सेल्स और चेहरे से डार्कनेस को भी दूर करती है। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी। और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका एक मैजिकल फेस पैक बनके रेडी हो जाए। अच्छे से आप इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी कर लीजिए। आपको इसे इतना भी पतला नहीं करना है जैसे ये आपके चेहरे से टपके, आपको बस नॉर्मल ही इसको रखना है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला। और आपको ये बेसन की जो गुठलियाँ दिख रही हैं ये भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो आपके चेहरे पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आपको अच्छे से ही मिक्स करना है, बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। तो अच्छे से आप मिक्स कीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, आपको बनने के बाद कुछ इस टाइप का दिखेगा। मैंने इसे बिल्कुल नॉर्मल बनाकर रेडी किया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। फ्रेंड्स, आपको इसे लेना है और अपने फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है इसको। और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको इसे कम से कम 20 मिनट के लिए अपने फेस पे लगे रहने देना है और फिर आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए जब ये ड्राई हो जाए। और अगर ये आप लगातार एक हफ्ते तक ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसका मिलेगा देखने के लिए। आपके चेहरे पे बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखेंगे कि कितना अच्छा चेहरा आपका हो गया है इसको ट्राई करने के बाद। आपको एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा, आप इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है आपके चेहरे के लिए। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके चेहरे से सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, जैसे दाग धब्बे, मुहासे, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, ये सभी प्रॉब्लम्स ये दूर करेगा। तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और इसको 1 वीक तक तो ज़रूर यूज़ करिएगा। और आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 वीक के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और पास बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर में आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आप इसका सबसे पहले फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।